कॉन्फ्रेंस है, ये ऑल इंडिया ऑल अरुणाचल आंगनबाड़ी यूनियन की तरफ से नहीं है, ये भारतीय मजदूर संघ की तरफ से है। तो इसमें एक हमारा सीडीपीओ मैडम ने जीरो सीडीपीओ उसने ये एक एफोलॉजी बनाया विदाउट वर्कर्स के नॉलेज में, और विदाउट वर्कर्स को पता नहीं है कि इस कंटेंट में क्या लिखा है। तो इसका जो प्रॉब्लम एक्चुअली कैसे निकला है बोलने से, ये एक वॉइस मैसेज है, जो वॉइस मैसेज भेजा है 15 तारीख ने। तो इसमें ये आपातानी लैंग्वेज से बोला है कि 23-24 को आंगनबाड़ी हेल्पर एंड वर्कर्स को इंटरव्यू लेगा, और जो इंटरव्यू में फेल होगा उनको टर्मिनेट किया जाएगा। तो ये है हमारा जीरो का सेक्रेटरी मैडम यूनियन आंगनबाड़ी यूनियन का। तो जैसे इनको हमने बात किया तो इन्होंने बोला कि हाँ सच बात है। तो हम बोले कि चलो हम लोग तब तो ऑन द स्पॉट आके पूछता है 23 को कि इंटरव्यू किस कारण से है और इसका मकसद क्या है। तो ये पूछने के लिए हम लोग ने 22 को जीरो पहुँचा है। तो जैसे सीडीपीओ मैम को पता चला है कि हम लोग 23 पूरा टीम आ रहा है, हम लोग 15 आदमी गया था उस समय आंगनबाड़ी यूनियन के स्टेट टीम लोग गया था। तो उनको जैसे पता चला है तो हमारा जीरो का टीम को हम लोग से मिलने के लिए रोका उसने इंटेंशनली, कि जैसे इनको पता चला कि हम लोग स्टेट टीम आ रहा है तो उन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग को इंटरव्यू को ट्रेनिंग में चेंज कर दिया विदिन नो टाइम में, विदाउट एनी ऑर्डर। और जो इंटरव्यू होने वाला था वो भी बिना ऑर्डर का, बिना कंसर्न डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी कमिश्नर का, बिना नॉलेज में, और डिप्यूटी डायरेक्टर जो ओमेन कमीशन है उसका बिना ऑर्डर में ये होने जा रहा था। तो जैसे उनको पता चला कि हम लोग आ रहा है तो उन्होंने क्या किया है, विद इन नो टाइम में इंटरव्यू को ट्रेनिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो उस समय हमारा वर्कर्स लोग का कन्फ्यूजन हो गया कि कल 23 को इंटरव्यू होगा या ट्रेनिंग होगा। तो ये कन्फ्यूजन में था तो हम लोग ने बोला चलो कल जो भी होगा हम लोग ऑन द स्पॉट बात करेगा। तो इसी ये टाइम फिक्स करके हम लोग ने सुबह पहुंचा, हमारा वर्कर लोग पहुंचा, और ये हमारा एडवोकेट मैम है उस समय का विटनेस है। तो हम दोनों थोड़ा सा लेट हुआ, तो बाकी मेरा टीम को स्टेट टीम देन वर्कर्स लोग ग्राउंड में प्रेजेंट था। तो उस समय में CDPO आया, आने के बाद सबको गाली मारा है कि तुम लोग यहाँ आज क्यों गैदरिंग है, सब निकल जाओ, और हम आपका प्रेसिडेंट यासी सोनाम से क्यों बात करेगा, किस लिए बात करेगा, वो कौन होता है, हम क्यों बात करेगा, ऐसा करके वो वहाँ से चला गया। और जब हम लोग ने आया उनको बात करने के लिए ढूंढा फिर भी नहीं है, तो इन्होंने बोला कि मैडम क्या करेगा, CDPO मैडम तो चला गया। तो हमने बोला कि चलो ठीक है तब तो कोई बात नहीं है, आप लोग जहाँ में ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल किया है वहाँ भी आप लोग जाके देखो, कल को आपको आपके ऊपर में ब्लेम नहीं आना है। तो ऐसा करके फिर इन सारे को हमने ट्रेनिंग जगह में भेज दिया कि अगर वहाँ CDPO होता है तो फिर हमको फ़ोन कर दो। तो उस समय में थोड़ा एक्चुअली हमारा जीरो प्रोजेक्ट 1-2 प्रोजेक्ट होता है ऐसी डेस का, तो प्रोजेक्ट 2 से भी लोग आया हुआ था और कहरादारी लोग से भी आया था, तो हम उनको थोड़ा बात कर रहा था। तो 10-15 मिनट्स के बाद फिर इनका फ़ोन आया कि मैडम CDPO मैडम यहाँ है, फिर हम लोग को गाली मार रहा है कि आज ट्रेनिंग नहीं देगा, जाओ तुम लोग सब लोग बोल के गाली मार रहे हैं, बोल के तो हम लोग ठीक है तो हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं। तो बात करते करते जैसे हम लोग वहाँ जाने का बात था तो फिर फ़ोन आया है, वहाँ से भी CDPO चला गया। तो अगर उसको ट्रेनिंग करना था तो ट्रेनिंग शेड्यूल बेनू से क्यों गया, तो वो इंटेंशनली हमसे मिलना नहीं चाहता था। और हम उस समय उनको झगड़ा करने के लिए नहीं गया है, उनको जस्ट ये पूछने के लिए गया था कि इंटरव्यू क्यों है, किस लिए लेना चाहता है। वेर इज़ हम 2017 में हमारा हॉनरेबल सेम सर पेमा खांडू जी से हम दोनों इतना अच्छा से डिस्कस हुआ है, सर भी बोला है कि हाँ नो ये बुरी लोगों को क्यों बेचना है, जो 200 रुपया से आने वाला आज 25-35 ईयर्स हो चुका है उनको क्यों अभी टर्मिनेट करना है। तो ये बात तो हम लोग ऑलरेडी करके रखा था। तो इसी के चलते फिर हम लोग ने CDPO को नहीं मिल सका और उनका घर हम लोग नहीं जा सका क्योंकि घर जाना इलीगल हो जाता है, इसलिए हम लोग फिर ADC को मिलने गया। DC तो नहीं था उस समय आउट ऑफ स्टेशन, तो DC ने भी बोला है कि जो भी आपका कागज़ है ADC को दे दो। तो जैसे हम वहाँ रिटर्न बैक 23 को हम आ गया, तो 24 को संडे था, तो संडे में ऑफिस स्कूल के सारा वर्कर को बुला के बहुत गाली दिया है, आपका प्रेसिडेंट अभी कहाँ है, बुलाओ यासी सोनाम को, क्योंकि इन लोगों को बहुत गाली दिया। एक गवर्नमेंट ऑफिसर
अपना पावर मिसयूज़ करता है संडे को ऑफिस खुल के, ये तो गलत बात है। तो इसके बाद फिर मंडे में ये ड्राफ्टिंग किया उन्होंने, ये जो है एपोलॉजी। एपोलॉजी में ड्राफ्टिंग करके इनको थोड़ा पता है कि एपोलॉजी में क्या है, इनको प्रेशर किया गया है कि ये जो आप एपोलॉजी साइन मारेगा हम किसी को नहीं देगा, मेरा पर्सनल प्रूफ के लिए है बोल के। और बाकी जितना वर्कर्स को यहाँ 12 आदमी का साइन है, तो ये बाकी वर्कर्स लोग को साइन किया है कि एक एक सेक्टर वाइज कुछ कुछ मेंबर्स बनाया साइट, तो ये मेंबर के लिए बोल के इनको धोखा से ये बाकी साइन लिया है। और बाकी जो आज पूरा यहाँ मौजूद है जितना 12 जो हमारा वर्कर्स लोग, ये कंटेंट में क्या है नहीं जान के साइन किया ना, ये सब इधर है अभी प्रेजेंट है सब। का मतलब ये है कि ये जो एपोलॉजी लिखा है ये हमारा बिना वर्कर का नॉलेज में एपोलॉजी लिखा है, और वर्कर को पता नहीं है कि ये एपोलॉजी का कंटेंट क्या है। तो ये एपोलॉजी इसने वर्कर को बिना बताए लिख के सारा वायरल कर दिया। तो इसी में हम लोग, और इसमें क्या है मेरा भी बदनाम होता है ना, कि इसमें लिखा हुआ है कि यासी सोनम ने मिस गाइड करके वहाँ में धरना कराया है और वर्किंग इंटरव्यू बोल के, लेकिन ये एक्चुअली इंटरव्यू नहीं था, ट्रेनिंग था। तो ये है, तो इसलिए हमने एसपी को भी लेटर दिया है, तो सुपरवाइज़र कंफर्म कर दिया है कि जो वॉइस मैसेज उसने भेजा है इंटरव्यू के लिए एक्यूरेट है और इंटरव्यू होना था, और ये इसको फिर बाद में ट्रेनिंग में बदल दिया है। तो वो सीडीपीओ जो सुपरवाइज़र जो है एसपी की ऑफिस में आके वो स्टेटमेंट दे दिया है। और हम लोग ने डीसी से बोला है कि ऐसा ऑफिसर्स को एक्शन लेना चाहिए जो अपना डिक्टरशिप दिखाता है, अपना पावर दिखाता है, उसको ये सस्पेंड करना चाहिए। हम लोग ने डीसी को दे दिया है, और हम लोग अभी पर्सनली हम डिफॉर्मेशन केस भी लगेगा इसके ऊपर में, क्योंकि ये हमारा वर्कर्स लोग ने नहीं लिखा है, वो खुद बना के साइन मार रहा है, फिर अभी ये बोल रहा है कि ये हम नहीं बनाया है। मतलब आपको अगर हम जो रियलिटी है वो अगर नहीं बताएगा तो आप लोग भी मतलब इसमें जो भी दिखाएगा वो गलत भी हो सकता है, इसलिए हम सही में आप लोगों को बताएगा। यहाँ पे जो ये जो नालू मैडम के जो यहाँ पे पास है एपोलॉजी का ये जो पेपर ना, तो इसको मैंने पढ़ा, पूरा पढ़ने के बाद मैंने अपना सीडीपीओ मैडम से बोला कि नहीं मैडम इसमें हम साइन नहीं कर सकते हैं। आप साइन किया कि नहीं? हाँ किया, किया लेकिन हाँ, तो क्या बोलने से यहाँ पर अगर साइन करेगा तो मेरा मैडम का भी इसमें ख़राब नाम जाएगा, आप ऐसा मत कराइए बोल के हम बहुत बोला है। मेरा साथ में मेरा एक तो और दोस्त था जो हमारा आंगनवाड़ी वर्कर है, और इसी बात में चर्चा करने के लिए पूरा 2 घंटा जैसा वन आवर्स 40 मिनट्स ऐसा समय जैसा गया है। लेकिन यहाँ पे जो हम अकेला नहीं था, मेरा दोस्त भी था और मेरा सुपरवाइजर मैडम एक भी था, हम चारों बैठ के इसके बारे में डिस्कस किया है कि नहीं मैडम ये एपोलॉजी लिखना तो गलत बात है। क्यों बोलने से हम लोग तो सही में जो सही था उसी को ही हम लोग बोला है। तो फिर मैडम बोला है कि बोलते बोलते लास्ट में हमको रिक्वेस्ट किया कि नहीं इसको हम अपना ही पर्सनल के लिए हम रखेगा, पब्लिक में जाने नहीं देगा, बाहर में पब्लिक इशू के लिए इसको जाने नहीं देगा, वो हमसे वादा किया। लेकिन हम भी आज गलत सोच रहे कि हाँ ये मैंने गलत कर दिया, कि एज ए सेक्रेटरी हिसाब में गलत कर दिया है। हमारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर लोग से हम भी माफ़ी मांगना चाहते हैं, और हमारा मैडम से भी हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि मैंने ये एपोलॉजी इमोशनली मतलब होके ये जो साइन कर दिया अंडर प्रेशर में।